सावन का दूसरा सोमवार है, चलो प्रसाद बनाते हैं। आलू का सीरा है तो आलू तो चाहिए दोस्तों, तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लिया है, दूध, घी और चीनी, बस इतने ही चीज़ें चाहिए हमें। आधा कटोरी घी मैंने गरम करने के लिए चढ़ा लिया है। घी अच्छे तरीके से जब गरम हो जाए तो उबले हुए आलू को मैश करके इसमें डालेंगे और जब तक ये बादामी कलर में टर्न ना हो जाए इसे मध्यम आँच में पकाते रहेंगे। एकदम अच्छे से जब ये पक जाएगा दोस्तों उसके बाद हम लोग इसमें डिज़ायर्ड अपना फ्लेवर के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच करीबन चीनी डाला है। अब इसमें आधा ग्लास दूध डलेगा और वापस लो फ्लेम में इसे बहुत अच्छे से कुक करेंगे ताकि दूध और आलू साथ में अच्छे से पक जाए। ये देखिए दोस्तों मेरा एकदम अच्छे से आलू पक गया है। इसमें अब चॉप किए हुए जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश और इलायची, सारी चीज़ें मैंने इनमें ऐड कर दिया है। पिस्ता भी मैंने बारीक काट के इसमें डाला है। ये मेरा सीरा तैयार है दोस्तों। ऊपर से और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे डेकोरेट कीजिए और सर्व कीजिए, बहुत ही डिलीशियस लगता है।